हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपनी कंप्यूटर बुक का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो लेट्स स्टार्ट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच वर्क्स ऑन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नोन एज प्रोग्राम ठीक है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है जिसे हम जिन्हें हम प्रोग्राम कहते हैं ठीक है ये बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर क्या होता है सॉफ्टवेयर वो पार्ट होता है कंप्यूटर का विच नॉट बी टच और सीन और इसका जस्ट रिवर्स हार्डवेयर क्या होता है वो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिसे हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं ठीक है अब कंप्यूटर प्रोग्रामर का क्या काम होता है कंप्यूटर प्रोग्रामर जो रहता है वो सॉफ्टवेयर लिखता है जो कंप्यूटर और यही सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो बिजनेस और साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके ठीक है नेक्स्ट देखते हैं सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज सॉफ्टवेयर जो है वो तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सेकेंड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड थर्ड इज सिस्टम सॉफ्टवेयर तो हम इसी चैप्टर में आगे एक एक करके सारे टाइप के सॉफ्टवेयर देखेंगे तो सबसे पहला आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड एंड डेवलप टू एकिश वन और मोर स्पेसिफिक टास्क और सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किस लिए डिजाइन किया जाता है या डेवलप किया जाता है ताकि एक या एक से ज्यादा वो टास्क परफॉर्म कर सके या फिर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके ठीक है दिस सॉफ्टवेयर रिटर्न और डेवलप बाई प्रोग्रामर हैज इनेबल कंप्यूटर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क सच एज प्रोसेसिंग वर्ड तो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे प्रोसेसिंग वर्ड वर्ड को प्रोसेस करना हैंडलिंग कैलकुलेशन कैल्कुलेशन को हैंडल करना या फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स को ब्यूटिफाई करना ठीक है आगे दिया हुआ है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स पहला है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ठीक है एज द नेम सजेस्ट ये जनरल पर्पस के लिए यूज होता होगा देखिए फर्स्ट लाइन क्या दी है दी सॉफ्टवेयर परफॉर्म मेनी टास्क टू फुलफिल द जनरल नीड्स ऑफ पीपल तो जो जनरल नीड्स ऑफ पीपल होते हैं उनको फुलफिल करता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ठीक है तो आगे इसके एग्जाम्पल्स दिए हैं और उनका एक्सप्लेनेशन दिया है तो हम एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं पहला है वर्ड प्रोसेसर तो इसके भी नाम से हमें समझ आता है क्या प्रोसेस करता होगा ये वर्ड प्रोसेस करता होगा ठीक है जो भी हम देखिए आप यहाँ पर इसका पिक्चर दिया हुआ है वर्ड प्रोसेसर का जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं उसका फॉर्मेटिंग उसमें कुछ भी ऐड करना उसमें डिलीट करना उसको अरेंज करना उसको फॉर्मेट करना ठीक है एंड प्रिंट भी करना ये सारा काम जो रहता है ये वर्ड प्रोसेसर करता है ठीक है एग्जाम्पल जैसे एमएस वर्ड आप सभी को पता होगा एमएस वर्ड क्या होता है एमएस वर्ड वर्ड पैड ओपन ऑफिस राइटर एक्सेट्रा ठीक है नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है स्प्रेडशीट्स का अब देखो स्प्रेडशीट क्या होती है स्प्रेडशीट जो रहती है वो एक शीट होती है जो कि डिवाइडेड रहती है रोज और कॉलम्स में ठीक है ये रोज और कॉलम्स किस लिए होती है ताकि हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकें ठीक है हमारा जो डेटा है वो हम चार्ट के और ग्राफ के थ्रू डिस्प्ले कर सकें ठीक है ये जनरली अकाउंटिंग पर्पज के लिए यूज होता है ठीक है इसके एग्जाम्पल्स हैं स्प्रेडशीट्स के एमएस एक्सेल लोटस वन टू थ्री ओपन ऑफिस एक्सेट्रा ओके नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का क्या काम होगा प्रेजेंटेशन देखेगा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू प्रेजेंट आइडियाज इन पिक्टोरियल एंड एनिमेटेड फॉर्म्स अरेंज्ड इन पेजेस कॉल्ड स्लाइड्स तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का क्या काम है कि यह हमारा जो आइडिया है वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा पिक्टोरियल फॉर्म में यानी पिक्चर्स हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं एनिमेटेड फॉर्म्स यानी मूव कर सकती हैं पिक्चर्स ठीक है स्लाइड्स पेजेस जो रहते हैं वो एक के बाद एक पेज जो रहते हैं वो आते जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं स्लाइड्स प्रेजेंटेशन देखा होगा ठीक है अ सीरीज ऑफ स्लाइड्स विच प्रेजेंट अ सीरियल आइडिया टू एन ऑडियंस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन तो एक सीरीज रहती है स्लाइड्स की जो मूव करती जाती है और एक स्पेशल आइडिया बताती है ऑडियंस को उसे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं ठीक है द स्लाइड्स कैन हैव टेक्स्ट इमेजेस टेबल्स ऑडियो तो स्लाइड में क्या क्या हो सकता है टेक्स्ट रह सकते हैं इमेजेस हो सकते हैं टेबल्स हो सकते हैं ऑडियो रह सकता है वीडियो रह सकता है या कोई भी मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन उसमें रह सकती है ठीक है तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या है एमएस पावर पॉइंट ओपन ऑफिस इम्प्रेस एक्सेट्रा ओके नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट दिया हुआ है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर आर यूज टू डिजाइन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स तो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स को डिजाइन इस सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है लाइक न्यूज लेटर मैगजीन्स ब्रोशर्स पोस्टर्स जो पोस्टर्स वगैरह बनाए जाते हैं बिलबोर्ड्स बनाए जाते हैं एडवर्टिजमेंट दिए जाते हैं वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू दिए जाते हैं ठीक है इसके एग्जाम्पल है पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर पब्लिशिंग डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स है पेज मेकर कोरल ड्रॉ एक्सेट्रा ओके नेक्स्ट आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ठीक है सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस स्टोरेज अपडेटिंग एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा बाय डेटा बेसिस इज कॉल्ड डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम तो वो स्टोरेज जो सॉरी वो सॉफ्टवेयर जो क्या मैनेज करेगा स्टोरेज मैनेज करेगा अपडेटिंग एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा बाई क्रिएटिंग डेटा बेसिसनेजमेंट सिस्टम ठीक है इसका एग्जाम्पल्स है एम एस एक्सेस माई एस क्वेल ऑर फोक्स प्रो एक्सेट्रा ओके नेक्स्ट आएगा मल्टी मीडिया सॉफ्टवेयर ओके इफ यू वॉन्ट टू लिसन टू सॉन्ग्स और वॉच मूवीज यू विल नीड टू यूज अ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर अगर आपके सपोज uh, कंप्यूटर में कोई मल्टी मीडिया सॉफ्टवेयर नहीं है और आप कोई मूवी Uh, अपने फ्रेंड से लेकर आए हो और देखना चाहते हो तो आपका आपके कंप्यूटर में वो मूवी नहीं चलेगी ठीक है तो कोई भी uh, अगर आपको सॉन्ग सुनना है कोई मूवी देखना है तो उसके लिए आपके uh, कंप्यूटर में एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है ठीक तो है तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के थ्रू वी कैन लिसन टू सॉन्ग्स एंड वॉच मूवीज कुछ पॉपुलर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स हैं विंडोज मीडिया प्लेयर आईक्यूम्स एक्सेट्रा ठीक है तो ये थे कुछ जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो नेक्स्ट पार्ट होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज द नेम सजेस्ट ये ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे जो किसी स्पेशल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं सॉफ्टवेयर विच आर डिजाइन टू मीट स्पेसिफिक नीड ऑफ एनी यूजर आर कॉल्ड स्पेशल पर्प एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कोई स्पेसिफिक नीड को फुलफिल करने के लिए ही ये जो सॉफ्टवेयर uh, हैं ये यूज किए जाते हैं देखिए यहाँ पर पिक्चर दिया है टैली का ठीक है अकाउंटिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है केवल इसको ठीक है इस एग्जाम्पल्स दिया हुआ है अकाउंटिंग पैकेज इन्वेंट्री कंट्रोल पेरोल सिस्टम रिजर्वेशन सिस्टम एक्सेट्रा ठीक है तो दो टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने देखे जनरल जनरल एप्लीकेशन जनरल पर्पज एप्लीकेशन एंड नेक्स्ट स्पेशल पर्पज ठीक है नेक्स्ट देखेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प प्रोग्राम्स टू मैनेज मेंटेन एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज तो ये जो सॉफ्टवेयर रहता है ये कंप्यूटर रिसोर्सेज को uh, मैनेज करते हैं मेंटेन करते हैं और कंट्रोल करते हैं इट परफॉर्म्स टास्क रिलेटेड टू द मेंटेनिंग ऑफ योर कंप्यूटर्स हार्डवेयर हेल्थ तो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर हेल्थ को जो मेंटेन करते हैं वो होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के यूज का है ठीक है नेक्स्ट दिया हुआ है इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं एक एक करके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे पहला है एंटी ठीक है एज यू ऑल नो वायरस क्या है ठीक है तो वायरस जैसे हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है वैसे एक वायरस कंप्यूटर की हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है तो जैसे किसी भी वायरस से बचने के लिए हमें वैक्सीन की जरूरत होती है वैसे ही कंप्यूटर को वायरस से बचने के लिए एक एंटी की जरूरत होती है ठीक है वायरस इज अ हार्मफुल कंप्यूटर प्रोग्राम विच करप्ट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ योर सिस्टम तो वायरस एक बहुत ही हार्मफुल कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो आपकी डेटा और इन्फॉर्मेशन को क्या कर देता है करप्ट कर देता है ठीक है ओवरकम फ्रॉम दिस हार्मी यूज एंटीवायरस विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू योर कंप्यूटर सिस्टम अगेंस्ट वायरस अटैक्स अगर हमारे कंप्यूटर uh, में एंटीवायरस जो ये सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल्ड है तो अगर कोई वायरस अटैक भी होता है तो ये एंटीवायरस जो रहता है हमारे कंप्यूटर को खराब होने से बचा लेता है कुछ एग्जाम्पल्स आपके इसमें दिए हुए हैं ठीक है गो थ्रू दीज एग्जाम्पल्स नेक्स्ट दिया हुआ है बैकअप यूटिलिटीज बैकअप यूटिलिटीज क्या होते हैं बैकअप प्रीफर्स द कॉपी ऑफ द डेटा सो दैट दीज एडिशनल कॉपीज मे बी यूज टू रिस्टोर द ओरिजिनल डेटा इफ लॉस्ट और रिसाइकल्ड ठीक है तो ये बैकअप यूटिलिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है अगर गलती से हमारा हमने जो भी डेटा कंप्यूटर में सेव किया है ठीक है या uh, हमारा सॉरी uh, जो भी कंप्यूटर में हमारा डेटा है वो लॉस्ट हो गया है ना गलती से डिलीट हो गया है तो ये बैकअप यूटिलिटी के थ्रू जो है हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं रिस्टोर कर सकते हैं ठीक है यू कैन टेक बैकअप ऑफ द टेक्स्ट पिक्चर्स म्यूजिक वीडियो डेटाबेस जो भी हो आपके कंप्यूटर में उस ये बैकअप यूटिलिटी के थ्रू आपको ये वापस मिल सकता है ठीक है नेक्स्ट दिया है कॉम्प्रीहेंड Sorry, compression. Storage uh, uh, space is always at a premium in computer systems. Compression shrink files so that they take less space in the डेस्क ठीक है सपोज आपके पास एक कंप्यूटर शेल्फ सॉरी एक बुक शेल्फ है ठीक है अगर आप अपनी बुक्स को वर्टिकल फॉर्म में अरेंज करते हैं तो कम बुक्स आती हैं उस शेल्फ में लेकिन आप अगर उन्हीं बुक्स को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं तो ज्यादा बुक आ रही है ऐसे ही कंप्यूटर का काम होता है वो ज्यादा से ज्यादा डेटा जो है कैसे फाइल्स को कंप्रेस करके सेव कर लेता है ठीक है तो ये जो uh, कंप्यूटर का, का काम रहता है देखो कैसे लिखा हुआ है आफ्टर कंप्रेशन फाइल्स आर स्टोर्ड इन अ डिफरेंट फॉर्मेट एंड नॉट बी रेड और एडिटेड डायरेक्टली तो कंप्यूटर अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में उसको सो, uh, जो है स्टोर uh, कर लेता है ठीक है तो एग्जाम्पल्स क्या क्या दिया है इसके विनरार विनजे पीके ठीक है? एक्सेट्रा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है द डिस्क क्लीनर डिस्क क्लीनअप टूल्स असिस्ट यूजर्स इन फ्रींग अप डिस्क स्पेस ठीक है हम फोन यूज करते हैं बार बार आता है स्टोरेज इज फुल प्लीज क्लीन द डिस्क ऐसा आता है ठीक है तो ये डिस्क क्लीनअप का क्या काम होता है ताकि uh, ये एक ऐसा टूल होता है जो यूजर्स को असिस्ट करता है ताकि वो अपने डिस्क स्पेस को फ्री कर सके ये उन फाइल्स uh, को लाता है जो किसी काम की नहीं है और स्पेस ले रही है ताकि यूजर जो है उनको डिलीट करके अपने आ, अपने जो कंप्यूटर है उसकी आ, स्पेस जो है उसको फ्री कर सके ठीक है नेक्स्ट क्या दिया हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर ठीक है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बाद आता है हमारा थर्ड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कंजिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोग्राम दैट सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सम ऑफ द कॉमन टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर तो ये जो सॉफ्टवेयर रहता है ये हार्ट एंड सोल रहता है आपके कंप्यूटर का इसी सॉफ्टवेयर के वजह से कंप्यूटर जो है ऑपरेट कर पाता है ठीक है अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉरी वन सेकेंड हम्म एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर दट मैनेजेस ऑल द कंप्यूटर रिसोर्स टू ऑप्टिमाइज इट्स परफॉर्मेंस इट ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या रहता है एक रिलेशनशिप बनाता है ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में ठीक है uh, तो ये सारे मैनेज क्या मैनेज करता है द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है कि ये किसको मैनेज करेगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स दिए हुए हैं जैसे एमएस डॉस एमएस विंडोज लाइन एक्स यूनिक्स मैकओएस एक्सेट्रा ओके इनके पिक्चर्स भी दिए हुए हैं देखो एमएस डॉस एम एस विंडोज तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं इसी के वजह से हमारे जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है वो कनेक्ट कर पाता है और कंप्यूटर अच्छे से वर्क कर पाता है मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस तो क्या क्या फंक्शन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के एक एक करके देखेंगे पहला क्या है प्रोसेस मैनेजमेंट ठीक है नाम से समझ आ रहा है क्या मैनेज हो रहा है प्रोसेस मैनेज हो रहा है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द वर्किंग ऑफ द प्रोसेसर बाय एलोकेटिंग डिफरेंट जॉब्स टू इट ठीक है प्रोसेसर मैनेज करेगा नेक्स्ट क्या है मेमोरी मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेज द मेमोरी इट यूजेज एंड फ्रीज द मेमोरी वेन रिक्वायर्ड तो मेमोरी को मैनेज करता है और मेमोरी को फ्री भी कर देता है जब रिक्वायर्ड रहता है ठीक है फाइल मैनेजेंट फाइल मैनेजमेंट सारी फाइल्स को फाइल एंड फोल्डर्स को क्रिएट करता है डिलीट कर सकता है कॉपी कर सकता है ठीक है और उनको स्टोर भी करता है इन एन ऑर्गेनाइज वे ठीक है नेक्स्ट होता है डिवाइस मैनेजमेंट मैनेजेस एंड कंट्रोल्स ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सारी जो हमारी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस रहता है उनको भी मैनेज करेगा ठीक है नेक्स्ट है सिक्योरिटी सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करेगा बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रांग पासवर्ड प्रोटेक्शन ठीक है तो पासवर्ड प्रोटेक्शन के थ्रू सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है ठीक है तो, तो क्या क्या काम होता है पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट सेकेंड इज मेमोरी मैनेजमेंट थर्ड इज फाइल मैनेजमेंट फोर्थ इज डिवाइस मैनेजमेंट एंड नेक्स्ट इज सिक्योरिटी ठीक है कमिंग टू द नेक्स्ट पेज क्या दिया हुआ है लैंग्वेज प्रोसेसर या फिर ट्रांसलेटर ठीक है ट्रांसलेटर क्या होता है ट्रांसलेटर इन uh, पर्सन जाने तो एक ऐसा पर्सन होता है जो दूसरी लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताता है ताकि हम सामने वाले की बात समझ सके ऐसे ही कंप्यूटर का काम कंप्यूटर में लैंग्वेज प्रोसेसर का, का काम होता है ठीक है तो कंप्यूटर uh, का लैंग्वेज प्रोसेसर कौन होता है सॉरी ट्रांसलेटर कौन होता है लैंग्वेज प्रोसेसर प्रोग्रामर्स राइट द प्रोग्राम इन वन ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज सच एस सी सी प्लस प्लस जावा एक्सेट्रा बट द कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज अदर देन बाइनरी लैंग्वेज जीरो एंड वन ठीक है तो कोई भी प्रोग्रामर जो रहेगा वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखता है प्रोग्राम लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है बाइनरी लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी ध्यान देंगे कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है बाइनरी लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज जीरो एंड वन के फॉर्म में चलती है और कंप्यूटर केवल इसी लैंग्वेज को समझ सकता है ठीक है तो इट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट द प्रोग्राम इन टू मशीन लैंग्वेज तो जो प्रोग्राम लिख रहा है कोई भी राइटर तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करे और समझ सके और प्रोसेस कर सके ठीक है टू कन्वर्ट दिस प्रोग्राम वी यूज लैंग्वेज प्रोसेसर्स तो हम लैंग्वेज प्रोसेसर्स का यूज करते हैं एक होता है इंटरप्रिटर सेकेंड होता है कंपाइलर दोनों का काम क्या होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में देखो इंटरप्रिटर भी यही काम करता है कंपाइलर भी यही काम करता है लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है इंटरप्रिटर बहुत स्लो रहता है क्यों स्लो रहता है क्योंकि ये एक प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता जाता है सॉरी <laughs> और कंपाइलर का क्या काम होता है ये बहुत फास्ट होता है क्योंकि ये किसी भी प्रोग्राम को वन गो यानी एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है ठीक है यहां देख रहे हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज फिर इंटर इंटरप्रेटर या कंपाइलर के थ्रू जाएगा और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है और कंप्यूटर जो है इसे समझ जाता है ठीक है नेक्स्ट है डिवाइस ड्राइवर्स डिवाइस ड्राइवर्स क्या है डिवाइस ड्राइवर्स आर द शेयर प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अदर हाई लेवल प्रोग्राम्स यानी अगर कोई भी डिवाइस हमें हमारे कंप्यूटर में अटैच करनी है तो उसका डिवाइस ड्राइवर होना जरूरी है डिवाइस ड्राइवर्स आर हार्डवेयर डिपेंडेंट हार्डवेयर डिपेंडेंट रहते हैं दे अलाउ एडिंग एंड रिमूविंग डिवाइस ठीक है devices, तो इनका यही काम होता है ये कोई भी डिवाइस को एड या रिमूव करते हैं ठीक है बट विदाउट चेंजिंग एनी एप्लीकेशन यूजिंग दैट डिवाइस यानी अगर कोई एप्लीकेशन उस डिवाइस को यूज कर रही है तो उसमें कोई हार्म नहीं आएगा ठीक uh, uh, है कॉमन हार्डवेयर कंप्यूटर्स कंपोनेंट्स विच रिक्वायर ड्राइवर्स आर कीबोर्ड माउस प्रिंटर ये सभी ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनमें डिवाइस ड्राइवर्स होना इंपॉर्टेंट है ठीक है एक क्विक रिव्यू लेते हैं हमारे पूरे चैप्टर का तो पहला दिया है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं प्रोग्राम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम क्या बनाता है सॉफ्टवेयर तीन टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं ठीक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर ठीक है दो टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़े हमने जनरल पर्पज एंड स्पेसिफिक पर्पज ओके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड डेवलप्ड टू अकम्पलिश वन और मोर स्पेसिफिक टास्क यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किस लिए होता है मैनेज मेंटेन एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है एट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन अंडरलाइंग हार्डवेयर सिस्टम ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है रिलेशनशिप बनाता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरप्रिट का काम होता है हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना बट लाइन बाय लाइन इसीलिए ये स्लो होता है कंपाइलर का काम होता है हाई लेवल कंपाइलर का भी यही काम होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना बट पेज वाइज इन वन को पूरे प्रोग्राम को ये कन्वर्ट कर देता है इसीलिए ये फास्ट होता है तो यहां हमारा चैप्टर जो है फिनिश होता है होप यू ऑल ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेल ठीक है So that's all for today. Have a nice day. Goodbye. Thank you.